पांच का मौका सिर्फ पांच नहीं। मैंने आपको बताया था कि खुलासा आज का। अब देखिए कितना कुछ मैंने बता दिया, वाक्य बड़ा बहुत ही लंबा, बहुत लंबा। क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कुतुब भरी पड़ी। अल्लाह शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अली शान। अब सुन लो ये हदीसे पाक है। अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। कितनी नमाजें फर्ज की? 50। कितनी नमाजें? 50। आज हम पांच में पढ़ते हैं। मेराज की रात आई तो चलो मस्जिद चलते हैं। जुम्मे का दिन आए, जुम्मे की नमाज का वक्त आया, चलो मस्जिद चलते हैं। रमजान के रोजे आए, शाम के 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन मस्जिदें भर गए। शबे बरात आती है, रोते हैं, गिर गिर आते हैं, नमाजें पढ़ते नफिल पढ़ते, और बात तो क्या करते हैं, फर्ज नहीं पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? नफिल पढ़ेंगे। अरे भाई नफिल से पहले तो फर्ज अदा करने ले, नफिलों में जुड़े पड़े, ठीक है। सलात तस्बीह की नमाज होती है तो मस्जिदें भर जाती है। आया ये नफिल, सिर्फ नफिल है मुसलमान की सोच। 5 वक्त की नमाज, सिर्फ 5 नमाज, 50 नमाजों का तोहफा मिला। कम होते 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 5 रह गए। अगर मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, हो सकता है इससे भी कम हो जाता। जी मदीन, आगे मैं बताता हूँ, हदीस सुनाता हूँ, आप सुनेंगे। आप खुद देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से। चलेंगे हदीस सुनते हैं, फिर मैं ज़हन में रखता हूँ, अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन आमीन। शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलीशान, अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज फरमाई। जब मैं मूसा अलैहि सलाम के पास लौट कर आया तो मूसा अलैहि सलाम ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज किया। मैंने उन्हें बताया कि अल्लाह पाक ने मुझ पर 50 नमाजें फर्ज की। तो आप कहने लगे अपने रब के पास लौट जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। अब ये सिफारिश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मूसा अलैहि सलाम। अब गौर तलब बातें, गौर तलब जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं ना, समझने वाली बातें के बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बड़े समझ जाए तो मदीना मदीना हो गया। सिफारिश कौन कर रहा है? हजरत मूसा अलैहि सलाम। नहीं दोबारा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। मैं लौट कर अल्लाह के पास गया, इन यानी 50 से कम हिस्सा कम कर दिया गया। जब फिर मूसा अलैहि सलाम के पास लौट कर आया, उन्होंने फिर मुझे लौटा दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा 5 है और 50 के कायम मकाम है, क्योंकि हमारे कौल में तब्दीली नहीं होती। मैं मूसा अलैहि सलाम के पास लौट कर आया, उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक के पास लौट जाइए। मैंने जवाब दिया, मुझे तो अपने रब से शर्म महसूस होने लगी। मुझे अब अपने रब से शर्म महसूस होने लगी। 5 ले गई, अब फिर कम करवाने लगा। हमारी बात नहीं बदलती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन 5 के बदले में 50 का सवाब ही। सबको बात समझ में नहीं आई? भाई सुभान अल्लाह, भी सब मिलकर। सुभान अल्लाह।
और सवाब कितने का मिलेगा? 50 कितनों का मिलेगा? 50 एक बुजुर्ग कहीं दरिया के किनारे पर बैठे, किसी दरिया के किनारे पर चल